फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सब्जेक्ट है ईवीएस क्लास 3 चैप्टर 2। टॉपिक है माय फैमिली एंड मी, यानी कि मेरा परिवार और मैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में फैमिली टॉपिक पे डिस्कस किया था सेशन 1 में, और सेशन 2 में हमने एकदम फैमिली के बारे में पढ़ा था, और आज का हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप और वैल्यूज एंड हैबिट्स फ्रॉम फैमिली। ये दोनों आज का हमारा टॉपिक है, तो कुछ हम पिछले टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। जैसे फैमिली, तो परिवार क्या होता है? फैमिली मीन्स होता है परिवार। परिवार क्या होता है? तो जब पेरेंट्स यानी कि माता पिता और उनके बच्चे एक साथ मिलकर एक घर में रहते हैं, तो इससे क्या एक परिवार का निर्माण होता है। किस फ्रेंड्स, तो फैमिली यानी कि परिवार किसे कहते हैं? तो जब माता पिता और उनके बच्चे एक साथ मिलकर के एक घर में रहते हैं, तो इससे परिवार का निर्माण होता है या इससे एक परिवार बनता है। और परिवार के सारे मेंबर्स क्या है? एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, और एक दूसरे की जरूरत का जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं। और वो सारे फैमिली मेंबर्स यानी कि जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, वो सभी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि आश्रित रहते हैं। डिपेंडेंस होता है आश्रित। नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद मैंने बताया था टाइप्स ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार के प्रकार। तो आप लोग जानते हो कि फैमिली जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ज्वाइंट फैमिली, स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं। तो स्मॉल फैमिली किसे कहते हैं? जब माता पिता और उनके एक या दो बच्चे एक साथ मिल करके रहते हैं, उन्हें हम स्मॉल फैमिली कहते हैं। फैमिली से कहते हैं जब पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल आंट और कजन्स ये सारे मिलकर के एक साथ रहते हैं, तो हमने ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। जब माता पिता और दादा दादी, चाचा चाची और चाचा चाची के बच्चे, जो मतलब चेहरे भाई बहन है, वो सभी मिलकर के एक साथ रहते हैं, तो हम उन्हें ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। इस फ्रेंड्स हो गया हमारा पिछला टॉपिक। अब आज का टॉपिक हम देखेंगे रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है? तो रिश्ता। रिश्ता क्या होता है? फैमिली के बारे में तो आप लोग जान गए, टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में भी जान गए। अब रिलेशनशिप यानी कि रिश्ता, रिश्ता क्या होता है? तो वैसा फैमिली मेंबर जो हमारे फैमिली से रिलेटेड होते हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं रहते, वो अलग रहते हैं, फिर भी वो हमारे फैमिली का हिस्सा होते हैं, उनसे हमारा रिश्ता होता है। ओके स्टूडेंट, तो वो कैसे हो गया? जैसे कि हमारे मम्मी पापा हैं, तो पापा के पेरेंट्स और मम्मी के भी पेरेंट्स, दोनों के पेरेंट्स तो हमसे रिलेटेड हुए ना, तो वो भी तो रिश्ते में आते हैं। तो वो क्या है? अलग हमारे नाना नानी जो होते हैं वो अलग रहते हैं, यानी कि जो मम्मी के मम्मी पापा होते हैं उन्हें हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं, और जो हमारे पापा के मम्मी पापा होते हैं और उनके और भी अदर रिलेटिव्स होते हैं, रिश्ते में होते हैं, उन्हें हम पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो माँ का माता का रिलेटिव होते हैं उन्हें हम मैटर्नल रिलेटिव्स, और जो पिता के रिलेटिव होते हैं उन्हें हम पैटर्नल रिलेटिव्स कहते हैं। और ये जितने भी रिश्ते में आते हैं लोग, उन्हें ये एक एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये कब हमारे यहाँ आते हैं? सपोज दैट कि हमारे घर में शादी होता है किसी का, तो उसमें क्या है? हमारे मैटरनल रिलेटिव, पैटर्नल रिलेटिव सारे जो है वो एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो उसमें ये, क्योंकि ये एक एक्सटेंडेड फैमिली का हिस्सा है और ये हमारे रिलेटिव है, रिश्तेदार, तो ये सारे एक जगह होते हैं और हम लोग मिल मेम्बर से मिलते हैं और उनसे अच्छे से रिएक्ट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और उन्हें ढेर सारा रिस्पेक्ट देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो रिलेटिव्स का मतलब समझ गए कि कुछ ऐसे रिलेटिव्स होते हैं जो हमारे मम्मी पापा की तरफ के होते हैं,
पापा की तरफ से, मम्मी की तरफ से। तो मम्मी की तरफ से जो रिलेटिव्स होते हैं उनके माता पिता, उन्हें हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। जो पापा के रिलेटिव्स होते हैं उन्हें हम मैटरनल रिलेटिव्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, रिलेशनशिप मैंने बताया, रिश्ता आर ई एल ए टी आई ओ एन एस एच आर पी, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में रिश्ता। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप समझ गए इस टॉपिक को, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यूज एंड हैबिट्स फ्रॉम फैमिली। अब हमारा जो फैमिलीज है, हमें वैल्यूज हैबिट्स मिलते हैं, आदतें मिलती हैं, वो कौन कौन सा है, क्या क्या है जो हमें अपने परिवार से सीखने को मिलता है, या हम अपने परिवार से जो सीखते हैं अपनी आदतें, वो सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक में देखेंगे। आवर फैमिली इज आवर फर्स्ट स्कूल, यानी कि हमारा जो परिवार होता है वो हमारा पहला विद्यालय होता है। स्कूल मीन्स होता है विद्यालय। हमारा जो परिवार है वो हमारा पहला विद्यालय होता है, स्कूल होता है। ओके फ्रेंड्स, वी लर्न गुड मैनर्स एंड सेवरल गुड थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। वी लर्न गुड मैनर्स एंड सेवरल गुड थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम लोग जो है वो क्या है, अपने परिवार से अच्छी मेहनत, अच्छी आदतें सीखते हैं, और बहुत सारे अच्छी आदतें सीखते हैं। वो किससे सीखते हैं, तो अपने परिवार से। हम लोग जो है अपने परिवार से अच्छी आदतें सीखते हैं। ओके, बहुत सारी अच्छी आदतें सीखते हैं। ए गुड मैनर्ड पर्सन इज ऑलवेज लव्ड, रिस्पेक्ट एंड वेलकम बाय एवरीवन। एक अच्छी आदत जिसमें होती है, वैसे पर्सन का सभी लोग आदर करते हैं और उनका हमेशा स्वागत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मतलब जो अच्छे मैनर्स वाले लोग होते हैं उन्हें हमेशा प्यार, रिस्पेक्ट, मतलब प्यार, लव, प्यार, रिस्पेक्ट, आदर एंड वेलकम, और हमेशा लोग उनका स्वागत करते हैं, उन्हें हमेशा प्यार करते हैं। ओके, जो अच्छी आदतें वाले लोग होते हैं उन्हें हमेशा प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, और वेलकम में हमेशा उन्हें मिलते हैं। ओके, सभी के द्वारा उन्हें रिस्पेक्ट मिलता है। वी लर्न द फॉलोइंग गुड थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। यहाँ पे कुछ हमने आपको बताया है जो हमारे फैमिली से, यानी कि हमारे परिवार से गुड थिंग्स मिलता है, अच्छी चीजें मिलता है। जैसे क्या क्या है, तो फर्स्ट है टू बिहेव नाइसली। हम लोगों को है किसी से भी बिहेव क्या है, प्यार से करना है, अच्छे से करना है। ओके, किसी से भी रूडली बिहेव नहीं करना है, सारे लोग से एकदम नाइसली बिहेव करना है। ओके, टू ईट हेल्दी। हम लोगों को क्या है, अपने ये फैमिली से ही सीखने को मिलता है कि हम लोगों को भोजन जो है खाना चाहिए वो हेल्दी फूड खाना चाहिए। ओके, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमेशा हम लोगों को क्या है, हेल्दी फूड खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा शरीर जो है वो स्ट्रांग होता है और हमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए हम लोगों को कभी भी जंक फूड, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, हमेशा हमें घर का ही खाना खाना चाहिए, और वो भी हेल्दी फूड खाना चाहिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ओके, नेक्स्ट है टू केयर फ्रॉम सराउंडिंग, और हमें क्या है अपने चारों तरफ का केयर करना चाहिए। केयर करने में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने चारों तरफ को साफ सुथरा रखेंगे, हमारे घर के चारों तरफ जो है वातावरण जो भी है उसे हम साफ सुथरा रखेंगे, पूरा कचरा इधर उधर नहीं फैलाएंगे, इससे बहुत सारा कीटाणु उत्पन्न होता है, इससे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं लोग। ओके फ्रेंड, तो इसलिए हम सराउंडिंग को हमेशा हमें केयर करना चाहिए, यानी देखभाल करना चाहिए। पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं हम चारों तरफ अपने घर, इससे होगा कि हमें एयर पॉल्यूशन वगैरह से राहत मिलेगी। ओके, नेक्स्ट है टू हेल्प अदर्स, और हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। अगर कोई कठिनाई में होता है तो उसका हमेशा मदद करना चाहिए, कभी भी उसे कठिनाई में छोड़ना
नहीं चाहिए, हमें एक दूसरे की हमेशा सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टू रिस्पेक्ट एवरीवन, और सभी व्यक्ति का रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का आदर करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबको इज्जत देनी चाहिए, जो हमसे बड़े हैं छोटे हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तभी वो हमारा भी रिस्पेक्ट करेंगे। और अच्छे व्यक्ति का यही निशानी होता है कि वो सभी व्यक्तियों का आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टू लव ईच अदर, और सभी हम लोग जो है अपने फैमिली से सीखते हैं कि हमेशा एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ओके, कभी भी किसी के लिए घृणा मन में नहीं रखना चाहिए, हमेशा एक दूसरे से प्यार करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टू फॉलो क्वेश्चन, और हमें हमेशा हमें क्वेश्चन को फॉलो करना चाहिए, यानी कि मानना चाहिए। अब आप लोग एक पेंसिल ले लें और एक कॉपी ले लें, और मैंने जो भी आपके टॉपिक को डिफाइन किया है उसे आप लिख लें, और बुक में जो भी लिखा हुआ उसको आप एक बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें, और वहाँ पे जो भी बुक में बनाना है वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, पढ़ा दिया है। ये हमारा सेशन था, और उसको आप बुक में भर लीजिएगा। ओके, और उसको आप कॉपी में पहले नोट कर लें ये सारा कुछ, और याद कर लीजिएगा ये सर कि हमें हमारी फैमिली से क्या क्या गुड मैनर्स गुड थिंग्स सीखने को मिलता है, ये याद कर लीजिएगा। ओके,